हेलो एवरीवन माय नेम इज़ राहुल दत्ता और आज हम लोग नॉटोस थ्योरम को शुरू करने वाले हैं लेकिन उससे पहले आप लोग को ये दो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है बेसिकली जो पहला क्वेश्चन है वो जेयूटी के 2021 में पूछा गया एक सवाल है और ये बहुत ही एक खूबसूरत सवाल है और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बी सिंदरी का मिड सेमेस्टर एग्जाम टू में पूछा गया सवाल है तो आप लोग को क्या करना है ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि जितने भी कंसेप्ट है मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आप लोग को बता चुका हूं ठीक है चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड कर देते हैं पहला क्वेश्चन है वेन सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी सर्किट द डिपेंडेंट सोर्स ज ऑप्शन ए ओपन ऑप्शन बी शॉर्ट ऑप्शन सी एक्टिव एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस ऑप्शन आपको में कमेंट करके बताना है दूसरा क्वेश्चन है सुपर पोजिशन थियोरम इज वैलिड फॉर कैल्कुलेटिंग ऑप्शन ए वोल्टेज ऑनली ऑप्शन बी करेंट ऑनली ऑप्शन सी वोल्टेज एंड करेंट एंड ऑप्शन डी वोल्टेज करेंट एंड पावर तो होपफुली आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता पाइएगा ठीक है तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग का नया टॉपिक जो कि है थ्योरम तो देखिए थ्योरम क्या है नोटन्स थ्योरम भी एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसके जरिए हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या कहता है इट स्टेट्स दैट एनी टू टर्मिनल बायलेटरल नेटवर्क कंटेनिंग अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस एंड रेजिस्टेंस कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंपल इक्विवेलेंट सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ करेंट सोर्स आई एन इन पैरल विथ अ रेजिस्टेंस आर एन तो देखिए नोटन्स थ्योरम अपने इस स्टेटमेंट से हम लोग को ये बताना चाह रहा है कि अगर आपके पास एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो कि लिनियर और बाइलेक्ट्रल है ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं उस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंप्लीफाइड सर्किट में आपके पास क्या क्या रहेंगे एक आयन रहेगा जिसे हम लोग नॉटन करेंट के नाम से जानते हैं एक आर्यन रहेगा जिसको हम लोग स रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं ठीक है होपफुली आप लोग को यह स्टेटमेंट समझ में आया होगा देखिए यहां वही चीज लिखा हुआ है आयन और आई एस सी इज नॉट करेंट आयन को कहा जाता है नॉटन करेंट या फिर इसको कभी कभी शॉर्ट सर्किट करेंट के नाम से भी जाना जाता है और आर्यन जो है इसे कहा जाता है नॉटन रेजिस्टेंस ये सिमिलर होता है रेजिस्टेंस के जैसा अब देखिए नॉटन थ्योरम से हम लोग किस तरह से एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सिंप्लीफाइड सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करके रखा है देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड नोटन्स इक्वेलेंट सर्किट ठीक है तो नोटन्स इक्वेलेंट सर्किट बनाने के लिए आपको चार स्टेप को फॉलो करना है ठीक है तो देखिए पहला स्टेप क्या कहता है स्टेप फर्स्ट आइडेंटिफाई द लोड रेजिस्टेंस पहला स्टेप का मतलब यह है कि आपको लोड रेजिस्टेंस का पता लगाना है लोड रेजिस्टेंस ऐसे रेजिस्टेंस को कहा जाता है जिसके अक्रॉस हमको कोई भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर निकालने के लिए बोला जाए मान लीजिए एक टेन ओम का रेजिस्टर है और उसके अक्रॉस हमको करंट का वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है तो मेरे लिए लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा टेन ओम सिमिलरली स्टेप टू देखिए कैलकुलेट आर एन जिसे नोटन्स रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है तो आर एन कैलकुलेट करने का दो स्टेप है देखिए फर्स्ट एंड सेकेंड ठीक है तो पहला स्टेप में क्या करना पड़ता है ओपन सर्किट द लोड रेजिस्टेंस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जो मेरा लोड रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या करेंगे ओपन सर्किट कर देंगे ओपन सर्किट का मतलब होता है सर्किट से उस रेजिस्टेंस को हटा देंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं डीएक्टिवेट द एनर्जी सोर्सेस हम लोग के सर्किट में बहुत सारे एनर्जी सोर्स होते हैं जैसे वोल्टेज करंट है ना जितने भी एनर्जी सोर्स है उसको हम लोगों को क्या करना है डीएक्टिवेट करना है डीएक्टिवेट करना आप लोग होपफुली समझ गए होंगे इतने क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस किए हैं अभी तक फुली आप लोग को डीएक्टिवेट करना एनर्जी सोर्स को आ गया होगा कोई डाउट नहीं है चलिए थर्ड स्टेप का कहना है कैलकुलेट आयन कैलकुलेट आयन जिसे हम लोग बोलते हैं नॉटन्स करेंट अब नॉटन्स करेंट को भी कैलकुलेट करने का दो तरीका है फर्स्ट शॉर्ट सर्किट द लोड रेजिस्टेंस देखिए थ्योरम और नॉटन्स थ्योरम में बस एक ही चीज का फर्क है स में हम लोग लोड रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं ओपन कर देते हैं जब हम लोग थे वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं लेकिन नोटन्स थ्योरम के समय कैलकुलेट करते समय हम लोग क्या करते हैं लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है इसका कैलकुलेट दैट शॉर्ट सर्किटेड करेंट जैसे ही हम लोग उस लोड रेजिस्टेंस को शॉर्ट सर्किट कर देंगे हम लोगों को उस शॉर्ट सर्किट पोर्शन से कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको फाइंड आउट करना है तो ये था क्या कैलकुलेट नॉटर्स करंट। ठीक है, है? है? ड्रॉ करते थे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे नॉटन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ कर देंगे अब नॉटन इक्विवेलेंट सर्किट होता कैसा है देखिए

स्टेटमेंट समझ में आया होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉर्टन थ्योरम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप उससे आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू